दोस्तों आज के दिन मार्केट के अंदर जो सिनेरियो आपको बताए गए थे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिला। फर्स्ट सेशन में आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 100 to 200 पॉइंट की तेज़ी आज के दिन हमें मार्केट में देखने को मिली। लेकिन उसी के बाद सेकेंड सेशन में अगेन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के दिन मार्केट यानी कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है, क्योंकि सेंटिमेंट जो निकल कर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका से बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है, जिस कारण से कल के दिन भी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सारी अपडेट इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने मार्केट में पोजीशन ले रखी है, अगर आपने कॉल पुट ले रखी है, तो किन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट सर्च करके बाजार की खबर के चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको ऑफिशियल का टैग जरूर देखना है। और साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर 16,000 से ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बाजार की खबर के नाम से टेलीग्राम चैनल ऑपरेट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बाजार की खबर चैनल के थ्रू आपसे किसी भी प्रकार का एक रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जहां तक हो सके इन फेक चैनल से बच कर रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के बाजार के अभी क्या हाल है। तो डोजोन्स की बात करें तो लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट हमें डोजोन्स के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट हमें डोजोन्स के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि कल के इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है। और सबसे खास बात तो हमें नेस्डेक के अंदर देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% तक की बड़ी गिरावट नेस्डेक के अंदर देखने को मिल रही है, लगभग 400 से ज़्यादा पॉइंट नेस्डेक हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कल के दिन अगेन आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हमें रहते हुए देखने को मिलने वाला है। सिर्फ अमेरिका के बाजार के नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के आप व्यू देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट भी पूरी तरीके से हमें क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे की अगर मैं आपको वजह बताऊं तो यहां पर एक एक अपडेट को कवर करते हैं। सबसे पहले आज के दिन अगर हम FII और DII की एक्टिविटी पर नजर मारें तो आज के दिन अगेन हमें FII DII के ऊपर भारी पड़ते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि जहां कल के दिन DII ने FII के कंपैरिजन में काफी अच्छी खरीदारी करी थी, लेकिन आज उसका हमें उल्टा होते हुए देखने को मिला है। जहां DII ने नेट ऑफ सिर्फ 375 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, वहीं FII की बात करें तो लगभग 1254 करोड़ रुपए की बिकवाली आज के दिन भी FII ने करी है। तो बात करें कि मार्केट को लेकर क्या सेंटीमेंट निकल कर आ रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहां पर भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो लगभग 3.5% तक की बड़ी गिरावट हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। एथेरियम की बात करें तो लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। BNB की बात करें तो वहां पर भी 3.5% की गिरावट है। XRP की बात करें तो लगभग 4.25% की गिरावट है। भाई कैडानो की बात करें तो वहां पर भी लगभग 7.8% की गिरावट है। तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी है वहां पर भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर गिरावट है, इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट है, ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट है, तो ये पैसा जा कर रहा है। तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर बॉन्ड यील्ड के अंदर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बॉन्ड यील्ड के अंदर देखेंगे तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, यहां पर बॉन्ड यील्ड अभी हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, US 2 ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर हमें अगर लेट नाइट यानी कि 2 बजे तक अगर कोई बड़ी तेजी देखने को मिलती है तो वो कल के मार्केट को लेकर एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल के मार्केट के लिए सेंटीमेंट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, वो बात अलग है कि कल भी आपको सेकेंड सेशन में अगेन मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेशन में अपडेट्स हैं वो यहां पर हमें गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। तो यदि आपने मार्केट में पुट ले रखी है तो किन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है
उसकी तरफ नजर मार लेते हैं। तो अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पर सबसे पहला स्टॉप लॉस आपको 16,120 का लेकर चलना है, इसी के नीचे आपको पुट लेनी है। उसके बाद में सेकेंड स्टॉप लॉस आपको 16,080 रुपए का लेकर चलना है और थर्ड स्टॉप लॉस आपको 15,980 रुपए का लेकर चलना है। अपवर्ड की बात करें तो 16,400 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तभी आपको कॉल लेना है और उसके पहले कॉल लेने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट्स पर, इस ट्रेंड लाइन को भी आप अपने पास ड्रॉ करके रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग कल एक्सपायरी के दिन आपको मार्केट रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी आपको 34,000 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल लेकर चलना है। अगर 34,000 रुपये से नीचे यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी आपको यहां पर पुट लेनी है, और अगर अपर मोमेंट की बात करें तो 34,650 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तभी आपको यहां पर कॉल लेने का सोचना है। लेकिन जो रेंज यहां पर मैंने आपके लिए बना रखी है उसी रेंज में आपको निफ्टी बैंक रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस रेंज से आपको काफी बचकर रहना है, क्योंकि अगर आप यहां पर एक बार फंस गए, एक बार अगर आप यहां पर ट्रैप हो गए तो आप अपनी पूरी कैपिटल को यहां पर विद इन अ मिनट पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो आपको यहां पर लेवल्स का काफी ज्यादा ध्यान रखना है और मार्केट में हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां से आपको स्टॉक मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कल मार्केट के ओपन होने के पहले कुछ प्राइस एक्शन स्टॉक्स और उसी के साथ में निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं मॉर्निंग सेशंस के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जैसे ही कल मार्केट ओपन होने वाला रहेगा उसके ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स के पहले मैं आपको लेवल शेयर कर दूंगा, जिसका बेनिफिट उठाकर आप ओपन मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। गिरते बाजार में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक साइकिल है, यहाँ पर अगर गिरावट हो रही है तो यहाँ पर तेजी आना है वो भी कंफर्म है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। अगर आप मार्केट में पेशेंस रखना सीख गए तो आप अपना जितना भी लॉस है उसे भी यहाँ पर रिकवर कर पाएंगे। पिछले 2 महीने से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नेगेटिव होंगे, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 20%, तो किसी का 50% भी। लेकिन आपको यहां पर पैनिक नहीं लेना है, सबसे पहले आपको कंपनी को एनालिसिस करना है कि क्या यहां पर ग्रोथ है, क्या ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो आपको वहां पर बिल्कुल भी बिना स्ट्रेस लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कंपनी का फ्यूचर नहीं है, सिर्फ आपने उसके अंदर जो रैली थी उस रैली में एंटर कर लिया, तो आप वहां से जितना लॉस हो सके उस लॉस में बाहर हो सकते हैं। यही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर टिके रहने की। तो उम्मीद है आपको अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।